हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में NHPC में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जहां पे दोस्तों मैकेनिकल, सिविल और भी बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है quicktechdev.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको डेली जो है सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, टेस्ट सीरीज देने का जो है मौका मिलता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से दोस्तों आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है। यहाँ पे जो है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे BBTech के मिनिमम 60% वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ब्रांच की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे सिविल के कैंडिडेट, मैकेनिकल कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो है 50,000 से लेके 1,60,000 तक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे HR की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायरमेंट है HR पोस्ट के लिए। देन दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर्स लॉ के लिए भी आया हुआ है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर्स लॉ में जो है आपको ग्रेजुएट इन LLB रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे CA वाले कैंडिडेट भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप जो है इन सब, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता देते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों सैलरी है वो 15 लाख पर एनम है आपकी जो सैलरी है, अप्रॉक्स जो है टोटल जॉइनिंग के बाद 15 लाख की यहाँ पे प्लेसमेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये गेट 2020 के मार्क्स के बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट और जो UC नेट क्वालिफाइड हैं वो लॉ और HR वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये फॉर्म दोस्तों जो स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 28 सितंबर रखी गई है। तो इसके बीच में अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना है या फिर आप एलिजिबल हैं तो आप जो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रेशर्स के कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको गेट या और जो नेट होता है वो आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। देन दोस्तों यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जा रहा है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को यहाँ पर देनी थी। दोस्तों और वैकेंसी के लिए आप जो है quicktechdev.com पे जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप वहाँ जाके और भी बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।